ये लो जी आ गई डोमिनो स्टाइल गार्लिक ब्रेड की सबसे बेस्ट डिटेल रेसिपी। यहाँ सबसे पहले लेंगे हम हाफ कप हॉट वाटर, ऐड करेंगे 1 टीस्पून शुगर, हाफ टीस्पून डाइस्ड, अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब ऐड करेंगे 1 कप रिफाइंड फ्लावर यानी मैदा, 1 टीस्पून चॉप गार्लिक, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब, सॉल्ट डालें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसकी लगानी हमें एक सॉफ्ट डो। तो ये लो जी लग के तैयार हो गई हमारी डो। अच्छे से करेंगे कवर और रेस्ट देंगे एटलीस्ट 2 घंटे के लिए। लो जी 2 घंटे हुए, पूरे कवर हटा लेते हैं। अब करेंगे इसको हल्के हाथों से पंच और फिर से बना लेते हैं एक डो। चलिए जी अब करते हैं इसको बेलने की तैयारी, बिल्कुल रोटी की तरह हल्के हाथ से बेलेंगे। यहाँ डो बेल चुका है, अब बना लेते हैं गार्लिक बटर, 4 बड़े चम्मच सॉफ्ट बटर, 1 छोटा चम्मच चॉप गार्लिक, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून। जेंटली मिक्स करेंगे और रब करेंगे बिली हुई रोटी पर। तो इस तरह पूरी रोटी पर स्प्रेड कर लिया है गार्लिक बटर। अब ऐड करेंगे हाफ पोर्शन में मोजरेला चीज और बॉइल कॉर्न, करेंगे इसको इस तरह फोल्ड और कॉर्नर करेंगे अच्छे से बंद। अब नाइफ की उल्टी साइड से गार्लिक ब्रेड पर इस तरह लगाएंगे निशान और गार्लिक ब्रेड के ऊपर भी इस तरह रब कर लेंगे गार्लिक बटर। तो कुछ इस तरह से दिखेगी हमारी गार्लिक ब्रेड। अब इसे बेक करने के लिए सेट करेंगे कुकर, पहले डालेंगे एक स्टैंड, अब डालेंगे तकरीबन 500 ग्राम नमक और ऊपर से सेट कर लेंगे प्लेट। इसके बाद बटर रब करके लगाएंगे बटर पेपर और उसके ऊपर अरेंज कर देंगे गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ब्रेड डालने से पहले कुकर को प्रीहीट कर लेंगे, कुकर की विसिल और रबर दोनों निकाल कर करेंगे बंद। 30 मिनट तक मीडियम हीट पर सेकेंगे। 30 मिनट बाद कुछ इस तरह दिखेगी गार्लिक ब्रेड। निकाल लेंगे उसे कुकर से। वाओ परफेक्ट। तो जल्दी से कर लेते हैं। ये थी कुकर में बनी डोमिनो स्टाइल की सबसे इजी एंड बेस्ट रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे नई रेसिपी टिप्स एंड ट्रिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।